Welcome back to the class. We already finished all the concepts of this chapter, right? Set theory, but right, whatever we learned, the last topic, that operation, right, on a set, right? And based on that, we already tried a few questions, right? But that concept need more and more practice, right? That's why this video, right, especially on that word problem, right? Aaj hum sirf word problem te related hi sare question karenge using Venn diagram, theek hai? Because humne last time padha tha ki formula se bhi aap question solve kar sakte ho Venn diagram se bhi, but last question mein hume pata chala beta, right, ki compared to formula agar hum Venn diagram ka use karte hai, right, to easily answer bhi aa jata hai and ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता और इतने ज्यादा फॉर्मूले हमें याद नहीं करने पड़ते. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज से फ्यू क्वेश्चन. देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया होगा बेटा. इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स. टोटल कितने स्टूडेंट्स बोला बेटा? 25 स्टूडेंट्स. 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स. Well, had taken physics and 11 had chemistry, right? 5 had taken mathematics and chemistry. 9 had taken mathematics and physics. 4 had taken physics and chemistry. And 3 had taken all the three subjects, means maths, physics and chemistry, that is 3. Find the number of students that had taken. Okay, chala yahan pe dhyan beta. Bahut hi easy question hai. Total kitne students bole beta? 25 students. Theek hai, maths, physics, chemistry ke individual mein diye hue 15, 12 and 11, but question mein aapne dekha ye jo bola hai number of students in maths, it is 15, not only maths, राइट? तो हम उसको नंबर टोटल लिखेंगे एनएम, ठीक है? वैसे फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 11, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कितने बेटा? 5. फिजिक्स एंड मैथ्स 9, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, तीनों में मतलब 3, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन यूजिंग वेन डायग्राम. देखो कितना इजीली हो जाता है बेटा. सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सल सेट 3 ऐड करना बेटा. कितने स्टूडेंट्स बोला बेटा? टोटल 25 यूनिवर्सल, ठीक है? अब कितनी चीजें बोली बेटा? मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 थिंग्स. तो 3 सेट बना लो बेटा. वन डन बेटा. फिर मैंने आपको क्या बोला? सब में आपको क्या ले लेना है बेटा? ट्रिक जो मैंने बोली बेटा, ए बी सी डी ई एफ एंड जी. क्लियर? अब आप ले लो बेटा, इसको मैथ्स ले लो, इसको मैं ले रहा हूं बेटा फिजिक्स एंड यहां पे ले रहा हूं केमिस्ट्री, ठीक है? मैथ्स में कितने बोला बेटा? 15, मतलब ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, टोटल कितना बेटा हुआ? 15 मैथ्स से रिलेटेड. वैसे फिजिक्स में कितना बेटा? बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, कितना है बेटा? 12. केमिस्ट्री कितना बेटा? 11. तो D प्लस E प्लस F प्लस G इज इक्वल टू 11, ठीक है? M and C मतलब मैथ्स एंड केमिस्ट्री, राइट? सॉरी यहां पे केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में क्या आएगा बेटा? D एंड E आएगा. तो D प्लस E मतलब मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाला कितना बेटा? 5. डन. देन मैथ्स एंड फिजिक्स ये वाले दो, तो B प्लस E कितना होंगे बेटा? 9. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना होगा? E plus F, that is 4. And तीनों का combination मतलब E, है ना? कितनी value है बेटा? 3. Done? So easy. Value put करना आ रहा है बेटा सब तो? ठीक है. अब देखो, E की value 3. अरे तुम्हें put करके जाओ तो यहाँ पे F में कितना आ जाएगा बेटा? 4 minus 3 मतलब 1. यहाँ पे अगर 3 put करो तो 9 minus 3 मतलब 6. है कि नहीं बेटा? यहां पे D प्लस E 5, तो D की वैल्यू क्या आएगी? 2. कितना इजी हो रहा है बेटा? पहले वाले में बेटा
राइट बात करो तो ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस बी की वैल्यू 6, राइट ई की वैल्यू 3, 6 प्लस 3 9, प्लस डी 2 है ना, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 2 मतलब 11 इक्वल टू 15, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 4, कितना इजी हो रहा बेटा। सेकंड वन में देखो बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू नहीं पता है तो सी एज इट इज है ना, ई की वैल्यू बेटा ये रही 3, तो 6 प्लस 3 मतलब 9 प्लस F 1 मतलब 10 है ना बेटा, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 10 उस तरफ जाएगा तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। एंड और एक चीज बची बेटा, अभी कितनी हो गई देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, मतलब G की वैल्यू बात ये रही, D बेटा क्या है देखो ध्यान से बेटा 2 प्लस E की वैल्यू 3 प्लस F वी डोंट नो सॉरी 1 F की वैल्यू है ना, एंड जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी दैट इज 11, तो जी कितना होगा बेटा 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 उस तरफ मतलब जी की वैल्यू 5 मिल रही सब की वैल्यू बेटा, कितना इजीली हो रहा है राइट। अगर आप स्पीडली करोगे तो विद इन 2 मिनट्स आपका वेन डायग्राम का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा है ना। अब क्या करना बेटा, सारी जो वैल्यू है हम एक जगह पे अच्छी तरह लिख डालते हैं जिससे हमें जो चीज क्वेश्चन में पूछिए आप उसको इजीली बता पाओ, ठीक है। तो लिखते हैं वन बाय वन सारी वैल्यू बेटा, द वैल्यू ऑफ ए, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है ठीक है, वैल्यू ऑफ ए कितना है बेटा 4 ठीक है, वैल्यू ऑफ बी 6, सी 2, डी कितना बेटा 2, ई 3, एफ 1 एंड जी की वैल्यू 5 हो गए बेटा 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, चलो सबका ऐड करो व्हाट यू गेट 10 12 14 17 18 एंड 2 मतलब 23, मतलब टोटल सबका अगर मैं प्लस कर रहा हूं, प्लस मतलब क्या होता है यूनियन राइट, मतलब जो तीनों का मुझे यूनियन मिल रहा है बेटा सी एंड पी कितना मिल रहा है 23, मतलब आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स 23 यूज हुए मतलब राइट उसमें पार्टिसिपेट हुए, मतलब दो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है राइट, तो वो दो बच्चे कहां पे आ जाएंगे यहां पे बेटा, मतलब यूनिवर्सल में तो है बट इसमें कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं, ना मैथ्स में ना फिजिक्स में मैथमेटिक्स में, समझ में आया कि नहीं आया फंडा क्लियर गुड। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर बेटा, ये सारी चीजें आ गई देखो क्वेश्चन में वापस क्या पूछा पहले बेटा, ओनली केमिस्ट्री ओनली मैथमेटिक्स एंड ओनली फिजिक्स, तीनों ओनली मतलब देखो ओनली में मैथ्स में दिया था ए, ये हुआ ओनली मैथ्स है ना, सी मतलब ये हुआ ओनली फिजिक्स और ये हुआ ओनली सॉरी जी की वैल्यू होती ओनली केमिस्ट्री, द वैल्यू ऑफ जी ये रहा बेटा ओनली केमिस्ट्री, देखो कितनी चीजें मिल गई, तीन चीजें इजीली मिल गई बेटा। और एक चीज देखो क्या पूछा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, तो ध्यान से देखो बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हम देखे कॉम्बिनेशन बेटा क्या आएगा ई प्लस एफ, बट उन्होंने मना बोला मैथ्स वाले नहीं, मतलब ई है उसमें मैथ्स वाले बी है तो उसको हटा देना है, मतलब ई हट देगा कौन सा आएगा सिर्फ एफ आएगा बेटा, समझ में आया, मतलब ये रहा फोर्थ वन का आंसर राइट, ये था थर्ड वन फर्स्ट वन सेकंड वन है ना, आगे पढ़ो सॉरी ओनली केमिस्ट्री फर्स्ट वन था राइट, ओनली मैथमेटिक्स सेकंड एंड ओनली फिजिक्स थर्ड वन ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन देखो बेटा क्या बोला है, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री बेटा, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, उसमें दिया गया देखो ध्यान से, अगर सिर्फ मैं ये बोलूं बेटा मैथ्स एंड फिजिक्स तो बी प्लस ई दोनों आएंगे है नहीं, बट केमिस्ट्री हटा दो तो क्या आएगा सिर्फ बी वाला आएगा डन, तो बी की वैल्यू हाँ ये रहा बेटा, तो ये हुआ हमारा फिफ्थ वन था आंसर सिक्स ठीक है, आगे बढ़ो बेटा सेवंथ वन, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट ओनली वन ऑफ द मतलब एग्जैक्ट वन मतलब इंडिविजुअल मतलब ए सी एंड जी राइट, मतलब इसके बाद वाला आंसर देगा ए प्लस सी प्लस जी, मतलब ओनली वन सब्जेक्ट बेटा, मतलब तीनों का एडिशन क्या है तो ए की वैल्यू 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 मतलब 11 इसका आंसर सिक्स वन
कितना इजीली हो रहा है ना बेटा वेन डायग्राम से। नेक्स्ट वन देखो क्या बता रहा है बेटा, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, एटलीस्ट मतलब राइट मिनिमम वन सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब टू भी चलेगा थ्री मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा यूनियन, यूनियन तुमने पहले फाइंड आउट कर लिया ये रहा बेटा, मतलब ये हुआ इसका आंसर राइट सेवंथ वन था ऑटोमेटिकली 23। एंड लास्ट वन बेटा नॉन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब एक भी नहीं, तो वैसा भी हमने कर लिया है ना, टोटल 25 में से कितने में यूज हुआ 23 मतलब नहीं में 2, तो लास्ट वन का आंसर क्या आया था बेटा 2। कितना इजीली हो गया है कि नहीं राइट, तो वैसे हम हर एक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा राइट लाइक दिस। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आता है प्लीज वीडियो को पॉज करना और इस टाइप की मेथड से आप प्लीज उसको ट्राई करना सारे आंसर लाने के लिए और कमेंट बॉक्स में आंसर डालना मत भूलना ठीक है, उसके बाद चेक करना जब मैं सॉल्यूशन करो क्या तो सही है या तो गलत, अगर सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है बट अगर गलत हो रहा है तो प्लीज चेक करना कहां पे आपकी मिस्टेक हो रही है ना, प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन ओके राइट। रीड कर लिया क्वेश्चन बेटा अच्छी तरह, क्या बोल रहे बेटा देखो क्वेश्चन में ध्यान से, इंग्लिश ओनली 80 ठीक है ओनली इंग्लिश, तो आप यहां पे ध्यान से देखो बेटा क्या बोला है ओनली इंग्लिश, तो सिर्फ क्या आएगा बेटा ये पूरा नहीं आएगा सिर्फ ए आएगा राइट, ए किसकी वैल्यू हुई बेटा ए की वैल्यू हुई ठीक है एटीन। अब क्या बोला बेटा इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी सिर्फ बोला है उन्होंने जर्मन का कुछ नहीं बोला है, समझ में आ रहा क्वेश्चन में, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो हिंदी वाला पोर्शन बी एन ई है बेटा तो वो हट जाएगा बी एन ई हिंदी वाले, तो सिर्फ बचा कौन सा इंग्लिश वाला, इंग्लिश में ए भी आता है डी भी आता है कि नहीं, बिकॉज जर्मन का कुछ नहीं बोला मतलब ये आएगा ए प्लस डी मतलब इंग्लिश प्लस क्या हो गया जर्मन बट नॉट हिंदी ओके। नेक्स्ट है इंग्लिश एंड जर्मन सिर्फ बोला है ठीक है, इंग्लिश एंड जर्मन मतलब दोनों में कॉम्बिनेशन क्या बेटा डी प्लस ई है नहीं ओके। नेक्स्ट बेटा क्या इंग्लिश कितना 26 इंग्लिश मतलब पूरा आ जाएगा ये वाला, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई पूरा, उसके बाद बेटा जर्मन टोटल मतलब क्या आएगा बेटा डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी है ना, इतना इजीली हो रहा है जी एन एच मतलब जर्मन एंड हिंदी बेटा, तो उसमें क्या आएगा ई प्लस एफ है ना, नो लैंग्वेज राइट मतलब टोटल कितने थे बेटा 100 100 में से उनका यूनियन निकाल दो मतलब वो कितना है बेटा 24 है कि नहीं, मतलब यूनिवर्सल माइनस यूनियन वैसे कितने हैं 24, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो मतलब ऑटोमेटिकली यूनियन तीनों लैंग्वेज का यूनियन मतलब नंबर ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी यूनियन जर्मन कितना हुआ बेटा 100 माइनस 24 मतलब 76, क्लियर फंडा, कोई कंफ्यूजन बेटा गुड। हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा, तीन चीजें फाइंड आउट करनी, हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन, वैसे तो मैं इसमें से कुछ भी पूछा आप इजीली निकाल पाओगे। चलो तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है ना, अब ए प्लस डी कितना है 23, तो ऑटोमेटिकली बेटा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 माइनस 18 मतलब 5 मतलब डी की वैल्यू आपकी आ गई 5 है ना, चलो इसको यहीं पे लिखते ए बी सी डी ई एफ जी ठीक है, डी की वैल्यू मिल गई हमें 5 बेटा और ए की वैल्यू हमारे पास है 18 डन। अब आगे देखो बेटा डी प्लस ई कितना है 8, डी की वैल्यू कितनी मिली 5, तो 8 माइनस 5 ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 3 मतलब ई की वैल्यू 3 आ गई डन बेटा। आगे बढ़ो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ए की वैल्यू हाँ 18 है, बी की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 5 एंड ई की वैल्यू 3, ये तीन चीज अवेलेबल मतलब 18 प्लस 5 23 प्लस 3 26 26 माइनस 26 मतलब बी की वैल्यू कितनी आई 0 राइट, मतलब इनका कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है इंग्लिश एंड हिंदी राइट, जर्मन नहीं सिर्फ इंग्लिश एंड हिंदी का कॉम्बिनेशन ओनली। नेक्स्ट
dt value here 5, et value 3, 8, ft value nahi hai, gt value nahi hai, chalo isse use nahi kar sakte, ye, e plus f, haan, et value hai 3 beta, to 8 minus 3, 5, matlab ft value 5, अब आप ऊपर वाला कर पाओगे है ना ये वाला तो d plus e plus f मतलब इन तीनों का एडिशन 5 plus 3 8 8 plus 5 13 बेटा 48 minus 13 मतलब कितना होगा g की वैल्यू बेटा 35 है कि नहीं कोई कंफ्यूजन बेटा कौन सा बचा c अब क्वेश्चन में हम देखते बेटा तो c कहीं पे है ही नहीं तो फिर से लाइन में यहां पे तो c कहीं पर भी नहीं है जितनी चीजें हमारे पास अवेलेबल थी सारी यूज कर ली हमने एक चीज लाती बेटा देखो यहां पे यूनियन मतलब मैंने बोला था ना सबका एडिशन मतलब a plus b plus c plus d plus e plus f plus g सबका एडिशन 76 है ना बाकी सबकी वैल्यू तो है ही आपके पास तो वैल्यू पुट कर लो बेटा और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो c plus बाकी सबका एडिशन है ना 35 plus 5 40 45 48 48 and 18 मतलब कितना आएगा 66 तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको कितनी मिल रही बेटा 10 है ना समझ में आया कि नहीं आया किसी को डाउट गुड अब सारी चीजें अवेलेबल है अब जो भी आपसे पूछ ले इजीली आप बता पाओगे है ना अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है हिंदी हिंदी मतलब सबका एडिशन कितना आएगा b plus c plus e plus f राइट That is B plus C plus E plus F. अगर मैं ऐसा बोलता बेटा only हिंदी तो क्या आता C, right? It's सिर्फ हिंदी बोला है, सिर्फ मतलब समझ गए ना? Only हिंदी अगर only word वहीं पे है लिखा हुआ question में. अब वापस ध्यान से देखो बेटा question में क्या बोला है? हिंदी सिर्फ लिखा हुआ है, only हिंदी नहीं है, right? हिंदी मतलब दूसरे के साथ जो भी उनका partnership है तो भी चलेगा, है ना? तो B plus C plus E plus F मतलब B की value बेटा 0 plus C की value 10 plus E की value 3 plus F की value 5 मतलब your answer is 18 first one का है ना similarly second one बेटा English and Hindi का combination मतलब B plus E B की value 0 plus E की value 3 मतलब सिर्फ 3 ही रहेगा है ना English Hindi and German तीनों का combination तो obviously E ही होगा बेटा तो उसका आंसर भी क्या आएगा 3 समझ में आ रहा है बेटा किसी को डाउट है ना चलो लिख लो ये क्वेश्चन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई दिस फर्स्ट क्वेश्चन बेटा राइट वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करो राइट और जो भी आपके आंसर आ रहे हैं 1 2 एंड 3 तीन चीजें यहां पे पूछी गई है बेटा राइट उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो राइट मतलब आपको पता चले बेटा कि ईमानदारी से कि आप तो अभी ये कांसेप्ट अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया और क्या जरूरत है आपको अभी और ठीक है तो मैं शुरू कर रहा हूं अभी आपका सॉल्यूशन ठीक है उसके बाद ही आप प्लीज सॉल्यूशन देखना है ना क्वेश्चन में क्या बोला ओनली मैथ्स पहला देखो बेटा ओनली मैथ्स कितना दिया हुआ है 15 ओनली मैथ्स मतलब क्या होगा ए बेटा ओनली स्टैटिस्टिक मतलब सी ओनली फिजिक्स मतलब जी इतनी चीजें थी ना इजीली दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है मैथ्स एंड फिजिक्स का कॉम्बिनेशन मैथ्स एंड फिजिक्स मतलब डी प्लस ई फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक का कॉम्बिनेशन मतलब ई प्लस एफ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक का कॉम्बिनेशन मतलब बी प्लस ई फिजिक्स मतलब पूरा डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी वो दिया हुआ 65 राइट अभी मैं फाइंड आउट क्या करना मैथ्स मतलब चलो बाकी चीजें पहले फाइंड आउट करने के बाद यहां पे देखेंगे है ना तो चलो अब ध्यान से देखो एससीजी इसमें कहीं पे एप्लीकेबल हो रहा है राइट कहीं से हमें कुछ मिल रहा है अभी तक तो नहीं यहां पे जी है बट बाकी चीज भी नहीं है ओले क्या करेंगे हां टोटल हमें दिया हुआ है 100 राइट और कुछ हमें दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ है राइट तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा राइट हम वेन डायग्राम से जो सोच रहे थे राइट वैसे तो ये नहीं हो रहा है ना चलो ए की वैल्यू है 15 मैक्स है गिवन है सी की वैल्यू 12 गिवन है जी की वैल्यू 8 गिवन है तो चलो यहां पे हम 8 ला सकते हैं है ना फिर क्या करना होगा अब तो अलग-अलग हां वैल्यू लेते बेटा अगर आप ध्यान से देखो बेटा यहां पे राइट तो जी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 8
एंड जो डी प्लस ई है उसकी वैल्यू भी अवेलेबल है 40, तो वैसे कंबाइंड में आपको रखना पड़ेगा, है ना। बहुत इजी था, फिर आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था बेटा। 65 is equal to d plus e की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है ना बेटा 40, प्लस f डोंट नो, g तो अवेलेबल है 8, तो मिल रहा है यहां से f बेटा 40 plus 8 48, 65 में से माइनस करो 48, कितना मिलेगा बेटा 17, कितना इजीली। या फिर आप ऐसा भी कर सकते बेटा, अगर मैं d plus e की जगह e plus f लेता, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है 20, देखो बेटा, है ना। 65 इक्वल टू डी एज इट इज बेटा, ई प्लस एफ की वैल्यू कितना है 20 प्लस जी, जी की वैल्यू अवेलेबल है 8 बेटा, वो भी डाल दो, है ना। तो माइनस कर लो 65 माइनस 20 45, 45 माइनस 8 कितना होता है 37, कितना इजीली आ गया बेटा, है कि नहीं। अब कितनी चीजें मिल गई, चलो 1 2 3 4 5, कौन सी बची बेटा, बी वाली एंड ई, ये दोनों हमारे पास नहीं है, बी यानी। बट अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, यहां पे राइट इसी में डी की वैल्यू अवेलेबल हो गई, एफ की वैल्यू भी अवेलेबल हो गई, जी की वैल्यू भी अवेलेबल हो गई, तो इजीली मिल जाएगा। मतलब एक ही चीज में से हमें सारी वैल्यू मिल रही, मतलब 65 इज इक्वल टू डी 37 बेटा प्लस ई वी डोंट नो एफ यस 17 एंड प्लस जी 8, है ना। 37 प्लस 17 कितना होगा बेटा 54 प्लस 8 62, तो 65 माइनस 62 मतलब ई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3, है ना। और ई की वैल्यू अगर 3 है यहां पे, किसमें भी जरूरत है बी वाले में बेटा, तो ई की वैल्यू 3 यहां पे पुट करो तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, मिल गई सारी वैल्यू बेटा। So write down in a proper sequence बेटा, उसे बाद हम जो जरूरत है उस हिसाब से, A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 7, C की वैल्यू बेटा था ये रे 12, D 37, E कितना मिला 3 बेटा, F 17 एंड लास्ट वन G की वैल्यू अवेलेबल है 8 बेटा, है ना। सबका एडिशन करो बेटा, व्हाट इज दैट राइट, बिकॉज टोटल हमारे पास 100 थी, तो चलो हम चेक करते थे क्या सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या तो नहीं, मतलब सबको ऑफर हो रहा है कि नहीं, ये चीज हमें देखनी है ना। तो 25 + 15 = 40 = 80 = 99 और 1 बच रहा है ना, मतलब वन ऐसा है जो नॉन ऑफ दिस, मतलब एक में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फर्स्ट वन था, वैल्यू निकाल लो बेटा, ए की वैल्यू 15 प्लस बी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 37, है ना। मतलब 55 + 7 = 62, फर्स्ट वन का आंसर। स्टेटिस्टिक बोला बेटा, मतलब बी प्लस सी प्लस एफ प्लस ई वैल्यू देखो बेटा, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 12, एफ की वैल्यू 17 एंड ई की वैल्यू बेटा 3, मतलब ये हो गया 20, ये हो गया 19 और टोटल आंसर आ गया 39, कितना इजीली हो गया। सिर्फ यहां पे हमें एक लॉजिक यूज करना था बस, और कुछ नहीं था, है तो नहीं क्वेश्चन इजी। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन तो दिमाग में बैठ ही रहे होंगे बेटा, अब आप कर ही सकते हो इजीली इस टाइप के सारे क्वेश्चन, है ना। तो अब एक दो क्वेश्चन थोड़े से अभी राइट, जिसमें टर्मिनोलॉजी कुछ चेंज हो वैसे हम ट्राई करते हैं, है ना। प्लीज ये लिख लो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ओके क्वेश्चन आपके सामने बेटा, क्या बोला क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। 40 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में, 60 students in physics, find the number of students which are either in physics or chemistry. Physics or chemistry बोला बेटा, right? और दो test बताए, मतलब आप यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, chemistry में 40 बोला है, physics में 60, उनका union either or, मतलब physics या तो chemistry को, मतलब union find out करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दोनों चीजें हैं और ये find out करना है, तो और एक चीज की जरूरत होगी बेटा, और वो क्या होगा, intersection बेटा,
अगर इंटरसेक्शन अवेलेबल हो जाए तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलो पहला देखते हैं, फर्स्ट केस, मीट एट सेम आवर, मतलब जो दोनों क्लास है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वो सेम टाइम पे हो रही। तो बेटा हम भगवान तो है नहीं, है ना, तो हरित में पहुंच जाएंगे आउट ऑफ टू, राइट। अगर आप रणछोड़दास चांचल भी हो बेटा तो भी इसी क्लास में जा सकते हो, है ना, एट अ टाइम, अपने खुद से क्लास अगर बाहर निकाला जाते हो तो भी। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है बेटा, या तो आप फिजिक्स में जा पाओगे या तो केमिस्ट्री में, मतलब दोनों में आप नहीं जा पाओगे बिकॉज ऑफ सेम टाइमिंग, क्लियर। मतलब उसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या होगा, नल, नल मतलब जीरो। फर्स्ट वन है तो ऑब्वियसली 40 प्लस 60 100, मतलब उसका यूनियन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा बेटा, 100, राइट। बट दूसरे केस में क्या बोला बेटा, उनका जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। अब आपको टेंशन है, आप जा सकते हो। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स एनरोल इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ मतलब क्या आएगा बेटा, यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन, कितना आएगा बेटा 20। तो अब फॉर्मूला यूज कर लो, ये तो है हमारे पास पहले से, कितना आ जाएगा 40 प्लस 60 माइनस 20, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 18। सो इजी आ गया ना। चलो और एक क्वेश्चन थोड़ा सा, ओके क्वेश्चन रीड करो बेटा, क्या है क्वेश्चन, अ सर्वे शो दैट 76% ऑफ द इंडियन लाइक ऑरेंजेस, राइट, एंड 62% लाइक बनानास, ठीक है बेटा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन लाइक बोथ ऑरेंज एंड बनाना, मतलब दोनों, राइट, मतलब ऑरेंज एंड बनाना दोनों पसंद हो, ऐसे कितने परसेंटेज, बोथ ऑरेंज एंड बनानास, ठीक है, ये मैं फाइंड आउट करना। चलो यहां पे ध्यान दो, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्राई करना चाहोगे, डेफिनेटली व्हाई नॉट, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, लेट्स चेक इट आउट कितने बच्चों का ये आंसर सही होता है ना। ओके हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या बोला बेटा इसमें, चलो ऑरेंज एक बनाना दो तीन बात करें बेटा, चलो मैं इसको सपोजन ए सेट भी ले लू, ठीक है, इसको चलो मैं बी ले लू परसेंटेज के हिसाब से, बोथ मतलब हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ना, बट हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा उस हिसाब से कम तीन चीजें हमें चाहिए, मतलब ए बी एन यूनियन अगर होगा तो हम इसका आंसर ला पाएंगे, अदरवाइज हाउ इट्स पॉसिबल, है नहीं? तो यूनियन तो हमारे पास यहां पे है नहीं, है क्या, यस अवेलेबल है बेटा, यहां पे क्या है परसेंटेज है, और हमें पता है परसेंटेज में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 100, राइट। तो इसका जो मैक्सिमम है वो 100%, मतलब इसका जो यूनियन है क्या वो 100% होगा, नहीं भी हो सकता, क्योंकि सर आपने तो पहले ही बोला था कि यूनियन जो है, राइट, वो टोटल के बराबर नहीं भी होता है, नहीं भी होता है, मतलब मैक्सिमम जो है बेटा यूनियन वो यूनिवर्सल जितना हो सकता है मैक्सिमम, बट हाँ उससे कम भी हो सकता है, ये भी सही है। इट मींस अगर यहां पर मैं लिखना चाहो बेटा इसका यूनियन, तो वो मैक्सिमम कितना होता बेटा 100% होगा, कितना होता बेटा मैक्सिमम 100%, या उससे कम भी हो सकता है, वैसे सब कुछ हमने सर्वे किया, राइट, उसमें से मतलब से 1 लाख पीपल है, उसमें से हमने 90,000 यूज थी, 1 लाख टोटल अवेलेबल थे, बट हमने उसमें से 90,000 का ही सर्वे किया टोटल पॉपुलेशन में से, तो वो 100% यूनियन में नहीं आएगा, 100% इसमें आएगा यूनिवर्सल, एंड 90% है वो यूनियन बनेगा। बट यहां पे तो स्पेसिफिक चीज नहीं बोली है, इसलिए जो इसका आंसर है वो भी परफेक्ट नहीं आएगा, वो एक रेंज में आएगा, राइट, बिकॉज यहां पे जो यूनियन आया है बेटा वो भी तैसा है मैक्सिमम 100%, मतलब उससे छोटा भी हो सकता है, समझ में आया, यूनियन तैसा है बेटा। तो राइट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बेटा, राइट, परसेंटेज वाला, तो आप एज अ यूनियन के रूप में मैक्सिमम 100% ले सकते हो, इसलिए प्लीज इक्वल टू की साइन मत करना, वहां पे आपको ये वाली साइन लेस देन इक्वल टू 100% लेना होगा, ठीक है। चलो तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन, तो हमारे पास फॉर्मूला दिया बेटा, राइट, इंटरसेक्शन अगर मैं फाइंड आउट करना हो तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी बेटा, है ना, एन ऑफ ए कितना है 76%
plus 62% minus n of a union b. मतलब कितना आएगा बेटा 138% minus number of a union b. ठीक है, अब इसकी रेंज कितनी है बेटा, मैक्सिमम 100% तक है ना. मतलब ये जो मैं अगर इसको यहां पे लिखो बेटा, ये वैल्यू क्या करते हैं माइनस, तो यहां पे आप माइनस लोगे कितना होगा 138 माइनस 100%. मतलब जो आपका इंटरसेक्शन है बेटा वो 138 माइनस 100 मतलब मिनिमम कितना आएगा बेटा 38. कितना आएगा मिनिमम बेटा, मतलब इससे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 38%. समझ में आया फंडा. पर मैक्सिमम तो आप देगा सर, आपने तो बोला रेंज के हिसाब से. ठीक है, तो हमें ये चीज तो पता चल गई. चलो ये मैक्सिमम 100% है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 38% होगी. कैसे बेटा, सपोज मैं यहां पे मैं 100 ले रहा हूं पूरा 100% मैक्सिमम, तो 138 माइनस 100 मतलब 38% आएगा. बट से सपोज 90% यूनियन है, तो 138 माइनस 90 मतलब कितना होगा 48%. बट अगर मैं यहां पे 50% ले रहा हूं तो 138 माइनस 50 मतलब ऐसा तो बढ़ता ही जाएगा सर. तो क्या हमें यहां पे जीरो तक लेना है, तो यूनियन जीरो आ सकता है? नो, अदरवाइज इसका आंसर 138% आ जाएगा. हाँ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, अगर आपको तो याद हो जब हमने पहली बार राइट यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट किया था, तब मैंने ये चीज आपको तो बताई थी बेटा कि तो भी दो सेट जो भी है बेटा, तो भी अगर जो दो भी दो सेट है, अगर आप उसका यूनियन निकालते हो, क्या निकालते हो बेटा यूनियन, तो यूनियन मिनिमम यूनियन कितना हो सकता है जो बड़ी वैल्यू है उससे जितना है ना. बट अगर आप उसका इंटरसेक्शन निकालते हो तो इंटरसेक्शन कितना आएगा बेटा, उन दोनों में से जो छोटा है उससे जितना राइट, उससे कम नहीं आ सकता राइट, उससे सॉरी उससे ज्यादा नहीं आ सकता. टेक एग्जांपल, वापस क्योंकि वो अब तो वीडियो देखोगे कितना टाइम लगता था, वापस समझे. चलो मैं बेटा सेट ए ले रहा हूं, ठीक है, छोटा एग्जांपल लेता हूं 1 2 3. ठीक है, बी सेट ले रहा हूं दैट इज 3 4 एंड 5. ठीक है, अगर आप उसका यूनियन निकालते हो बेटा तो कितना आएगा 1 2 3 4 5. कितना आया मैक्सिमम यहां पर, कितना है बेटा 5. टोटल एलिमेंट यहां पर भी कितने थे 3, यहां पर भी कितने 3 राइट. अगर यहां पे इक्वल, यहां पे देखो 3 3 इक्वल था. अगर नहीं भी होता से सपोजन यहां पे 4 5 एंड 6 होता, तो यहां पे आंसर क्या था 1 2 6. मतलब जो यूनियन है बेटा वो मैक्सिमम कितना आएगा दोनों ते प्लस जितना है थे नहीं. बट अगर यूनियन की मिनिमम वैल्यू की मैं बात करूं बेटा राइट, जितना आ सकता है, तो ये चीज हो सकती है माइंड भी इन दोनों में जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट दूसरे में ऑलरेडी सबसेट के रूप में है. मतलब से यहां पे सिर्फ 2 एंड 3 है ना बेटा, कितने एलिमेंट हुए 2. तो अगर आप इसका यूनियन निकालो तो कितना आएगा बेटा 1 2 3 तक आएगा है कि नहीं. मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर बी उसका सबसेट है, तो 1 2 3 मैक्सिमम 3 वैल्यू है, तो उसका यूनियन कितना होगा 3 है कि नहीं. वैसे ही बेटा अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, इसमें इंटरसेक्शन जब ये वाला इसमें सबसेट है, तब इंटरसेक्शन कितना हो सकता है 2 3 मतलब कितनी हो सकती है वैल्यू बेटा 2 है कि नहीं. मतलब अगर ये हो यहां पे, वापस हम ले लेते हैं 4 5 6 वाला बेटा, अब कितनी वैल्यू है 3. बट अब इसका मैं इंटरसेक्शन करना चाहूंगा तो क्या आएगा बेटा, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब नल सेट, मतलब नंबर कितने आएंगे बेटा 0 आएंगे. समझ में आया राइट. तो यहां पे जो यूनियन है बेटा उसमें मैक्सिमम दोनों का प्लस हो सकता है, बट अगर हम इंटरसेक्शन निकाले तो दोनों में से राइट जो कॉमन है उतना ही आ सकता है. मतलब दोनों में से इतनी जो मिनिमम वैल्यू है वो आ सकती है, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं. तो यहां पे देखो बेटा ऑरेंज वाले कितने परसेंटेज है 76, बनाना वाले कितने हैं 62 है तो नहीं. तो दोनों में मिनिमम वैल्यू किसकी है, बनाना थी. मतलब जो इंटरसेक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है बेटा 62%. मतलब इसकी जो रेंज है बेटा वो आप ऐसा लिख सकते हो
38% less than equal to A, intersection B less than equal to 62%. समझ में आया फंडा? मैंने क्या बोला था, एक लेवल अप का क्वेश्चन मैं दूंगा, है कि नहीं? था ना क्वेश्चन, बिकॉज इसमें डायरेक्टली आंसर अवेलेबल नहीं था, मैक्सिमम 100% के हिसाब से लेना था, तो इसलिए हमारे पास से आ गई रेंज आ गई। आई होप सो सब तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आया है बेटा तो प्लीज इसको वापस रिवाइंड करते अच्छी तरह समझना, राइट? और फंडा इसका थोड़ा सा क्लियर था ना, बिकॉज मुझे पता है आपको इसमें ही ट्रबल होगा कि 62% कहां से आया, राइट? सर टोटल 100 ले लेते तो इतना झमेला होता ही नहीं बेटा, राइट? बट बेटा यूनियन है उसको हम यूनिवर्स हरित में नहीं भी आ सकता, मतलब मैक्सिमम वहां तक हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 100% तक हो सकते हैं। और आप ये भी सोचो बेटा, अगर चलो परसेंटेज निकाल भी दो तो अगर ऑरेंज वाले 76% ऐसे जिनको ऑरेंज पसंद है, राइट, 62 ऐसे पर्सन है जिनको बनाना पसंद है, तो अब सिंपल सोचो बेटा, 76 किससे लिए? ऑरेंज से लिए, 62 किससे लिए? बनाना के लिए, तो मैक्सिमम उनका इंटरसेक्शन क्या आ सकता है? अगर मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि 76 ऐसे जिनको ऑरेंज पसंद है, 62 ऐसे जिनको बनाना पसंद है, तो इंटरसेक्शन क्या हो सकता है? तो आप डेफिनेटली बोलो, तो बेटा हमें पता है बेटा इंटरसेक्शन उससे क्या होता है, हमेशा जो दोनों वैल्यू है उससे क्या हो सकती है, हाँ, तो 62 ऐसे होंगे बेटा मैक्सिमम, राइट, जिनको बनाना और ऑरेंज दोनों पसंद है, ठीक है? बनाना में मैक्सिमम ही कितना है 62, तो आप उससे ज्यादा नहीं बोल सकते कि नहीं इसमें 76 इसमें 62, तो सर इंटरसेक्शन होगा वो 70 होगा, पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट। व्हाई? बिकॉज बनाना तो पसंद करने वाले सिर्फ 62% है, तो आप उसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो 70 तभी भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? फिर भी अगर कुछ भी डाउट होता है आप बिंदास मुझे बता सकते हो, मेरा नंबर तो है ही सबके पास, प्लीज फोन कॉल करते, ठीक है? तो ये था थोड़ा सा एक लेवल अप का क्वेश्चन। अब जेडब्ल्यू का और एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, प्लीज ट्राई करना, राइट, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है? ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बेटा? इफ यू रीड द क्वेश्चन बेटा, 25% ऐसे फैमिलीज हैं, राइट, जिन्होंने फोन तो बाय किया, 15% ऐसे जो था, 65% ऐसे नेदर फोन नॉर कार, 2000 फैमिलीज ऐसी जो बोथ फोन एंड कार, ठीक है? और मैं तीन स्टेटमेंट दिया, कौन सा सही है ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सब? तो हैव अ लुक हियर बेटा, राइट, तो इतनी चीज हमारे पास अवेलेबल है और इसमें से क्या सही है और क्या गलत वो आप तो बताना है, ठीक है? तो आई होप सो सबने कमेंट बॉक्स में अभी तक आंसर डाल दिया। अगर कोई बंदा बाकी है बेटा तो वीडियो को पॉज करो, अपने आप ट्राई करो बेटा, और इसका आंसर डेफिनेटली डालो जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो या नहीं, है ना? तो सॉल्यूशन देते हैं यहां पे बेटा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा, राइट, मतलब इजी है बट थोड़ा लॉजिक इतना जरूरी है। देखो बेटा, इससे पहले मैं आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया, उसमें भी मैंने क्या बोला था बेटा, टोटल परसेंटेज कितने होते हैं 100, है ना? तो यहां पे जितने भी फैमिलीज है, राइट, उस टाउन में मैं उसको 100% मान लेता हूं, है ना, टोटल। अब उसमें से क्या बोला बेटा, 65% नेदर फोन नॉर कार, मतलब दोनों में से एक भी चीज नहीं ले रहे, मतलब अगर आप तो सिर्फ वेन डायग्राम के हिसाब से देखना बेटा तो यूनिवर्सल सेट है हमारा 100%, राइट, 65% ऐसी है जो दोनों में से एक भी चीज बाय नहीं कर रही है, मतलब नो कार नो फोन, है ना, दोनों में से एक भी चीज नहीं। समझ में आया फंडा? तो ऐसे कितने परसेंट होंगे बेटा जो दोनों चीज है, मतलब इधर फोन और कार बाय करेंगे, मतलब परचेज करेंगे, इधर और, मैंने क्या बोला, इधर और यूनियन, हमें पता है ना टोटल 100% में से 65% माइनस कर दो बेटा, मतलब हमें यूनियन मिल गया, राइट, परसेंटेज के हिसाब से कितना मिलेगा बेटा, 35% मिलेगा ना, राइट? तो वैसे ही फोन के लिए, टोटल फोन के लिए कितना बेटा, 25%, राइट, कार के लिए कितना है, 15%। क्वेश्चन आ गया समझ में बेटा? तो ये है यूनियन, तो हमें इंटरसेक्शन मिल जाएगा, है ना? तो फॉर्मूला यूज करो बेटा, तो
इंटरसेक्शन में कितना परसेंटेज आएगा बेटा, 25 प्लस 15 मतलब 40%, ये वन बाय वन लिखता हूं बेटा, 25% प्लस 15% माइनस यूनियन दैट इज 35%, तो कितना आएगा बेटा 25 प्लस 15 40, 40 माइनस 35 मतलब 5% ऐसी फैमिलीज होंगी जो दोनों चीजें मतलब फोन एज वेल एज कार दोनों चीज परचेज करेगी। समझ में आया फंडा? गुड, ये मतलब पहला स्टेटमेंट गलत होता है बेटा। उन्होंने क्या बोला 10% मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत होता है। थर्ड क्या आया था बेटा 5% आया था थर्ड आंसर। आगे देखते हैं बेटा 35% इधर कार और फोन, हाँ ये रहा 35% टोटल 100 में से 65% माइनस करो मतलब 35% मतलब यस ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट बेटा 40,000 फैमिली मतलब टोटल 40,000 फैमिली वो हमें चेक करना है। चलो कैसे करेंगे बेटा, राइट टोटल जो फैमिली है मैं उसको एच फैमिलीज ले रहा हूं, ठीक है। अब 2000 ऐसी फैमिली बेटा जो दोनों चीज परचेस कर रहे और मैं परसेंटेज भी मिला कितना है 5% है ना, तो टोटल 100% ही होता है बेटा, तो 5% ऑफ टोटल फैमिलीज एच इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 2000, तो 5x बाय 100 इक्वल टू 2000 हो गया ना, सो सिंपल बेटा, राइट 100 तो उस तरफ ले जाओ 5 या 20 तो एच का वैल्यू कितना आ गया 40,000 मतलब 40,000 फैमिली ये वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट। कितना इजी क्वेश्चन था राइट, अगर ऐसे जनरली में आएंगे तो आप डेफिनेटली कर लोगे, है तो नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा आपको ये चीज था ध्यान रखना था बेटा, राइट यहां पे जो था ये बेटा 65, 25, 15% राइट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 इन अ सर्वे ऑफ इंडियन राइट, जो ऑरेंज वाला था उसमें क्या था बेटा, सारे जो हमने सर्वे उसको हमने 100% लिया था मतलब जितने भी हमने पार्टिसिपेट किए वो 100% थे, समझ में। बट इसमें क्या था बेटा, जो टोटल फैमिलीज है 100% उसमें से सारी पार्टिसिपेट नहीं कर रही मतलब सारी यूनियन में नहीं आई थी, इसलिए यूनियन में कितनी आई बेटा 65% ऐसी फैमिलीज थी जो एक में भी ना फोन कॉल्स लिया ना कार बाई थी, दोनों में से भी चीज परचेज नहीं थी, हम उसको माइनस करना पड़े था 100%, 100 में से 65 माइनस मतलब 35% इसलिए यूनियन है। तो जैसे वर्ड प्रॉब्लम होता है बेटा उसमें आपको ये चीज है बहुत ही ध्यान से समझनी होती राइट, और देखनी होती कि क्या क्वेश्चन में हमें यूनियन दिया हुआ या तो यूनिवर्सल दिया है राइट। इससे पहले भी जब मैंने वीडियो लेक्चर में आपको याद होगा बेटा इससे पहले वाले में भी मैंने ये चीज बहुत अच्छी तरह समझाई थी राइट, और एक बार आपको समझना तो प्रीवियस वीडियो देख लो बेटा, उसमें भी मैंने चीज बताई है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना यूनिवर्सल एंड यूनियन में, ठीक है फंडा, क्लियर बेटा। तो ये थे हमारे सारे वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक, अलग अलग टाइप ने हमने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम कर दिए, ठीक है। तो आई होप सो सब तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बट अभी जाना नहीं है, एक सरप्राइज पैकेज आपके लिए है बेटा राइट, आज का सरप्राइज क्वेश्चन राइट, क्वेश्चन सारे हमने तल लिए हैं, चैप्टर पूरा अच्छी तरह तल लिया है, हमने क्विज भी बेटा बहुत ही अच्छी तरह आप सब लोगों ने अटेंड भी थी, अगर आप चाहोगे और आपके अगर डिमांड है तो हम ऐसे और भी क्विज थी प्रैक्टिस करते रहेंगे जैसे में टाइम अवेलेबल होगा। बट आज जाने से पहले आपके स्क्रीन पे सरप्राइज क्वेश्चन आया था बेटा राइट, बहुत ही ध्यान से उस क्वेश्चन को करना बिकॉज उसका सॉल्यूशन में नहीं देने वाला, वरना तो बहुत सारे बच्चे सॉल्यूशन देते आंसर लिख डालते। जो भी सरप्राइज क्वेश्चन है उसको सोचो समझो और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, जिसका भी आंसर पहला और सही आंसर होगा उसको मेरे तरफ से सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है। तो देखते हैं कौन से बच्चे वो क्वेश्चन तो कर पाते हैं, बट हाँ वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल तो सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब करते बेटा, बेल आइकन तो क्लिक कर देना जिससे आपको नए नए वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।